ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान आवाज, हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, सभी बंधनों से मुक्त, सभी इच्छाओं से परे, इच्छा मात्र अविद्या। जब हम देवता हैं, हमारे भंडारे भरपूर हैं। कहा जाता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, परंतु हमें यह अनुभूति करनी है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन हम ब्राह्मणों का है। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। सुख शांति खुशी प्रेम शक्तियाँ पवित्रता आनंद, इन सभी दिव्य अनुभूतियों से हमारा जीवन भरपूर हो जाए, तो हमें लगेगा हम जैसा इस संसार में कोई नहीं, हमारे जैसा भाग्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हों। और संसार की इच्छाओं की बात क्या करें, वे तो हमें मिट्टी और राख के समान प्रतीत होंगी, स्वर्ण भी हमें धूलि समान महसूस होगा। इन चीजों में हम कहीं रुक नहीं पाएंगे, कहीं अटक ही नहीं पाएंगे। हमें तो निरंतर आगे बढ़ते चलना है, और जिसको फरिश्ता बनना है वो ध्यान दें कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति प्राप्त हो जाए। बड़ी नेचुरल, बड़े सहज भाव से हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं, कर्मातीत बनने की इच्छा भी तो इच्छा है, संपूर्ण बनने की इच्छा भी तो इच्छा है, श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा भी तो एक इच्छा है। ये इच्छाएं नहीं, ये सुभावनाएं हैं, ये श्रेष्ठ लक्ष्य है, ये महान स्थिति है, इसको इच्छा नहीं कहते। तो हम सभी चेक करें, हमारा कोई भी कर्म हमें बांधता तो नहीं है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म हो, सेवा का कर्म हो। बुरे कर्म, ऐसी वैसी चीज, दुनियावी चीज, उनके बंधन से तो हमें मुक्त रहना ही है, परंतु ईश्वरीय कर्म यदि हमें बांध न रहा हो, ऐसा न हो हमारे ऊपर कोई सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो और वो हमें बांध रही हो, अर्थात हमारी खुशी को छीन रही हो, हमें भारी कर रही हो, हमें ऐसा महसूस करा रही हो कि हम सारा दिन उसके ही प्रभाव में रहते हैं, इसको बंधन कहा जाता है। सेवा बाबा की है, और हम ये जान ले अच्छी तरह कि संगम युग पर सभी कार्य, हमारे सारे कार्य ऊपर से ही कंट्रोल हो रहे हैं। मैं कहानी सुनाया करता हूँ, कोई महारथी बाबा के पास पहुँचता है, वर्णन करता है, बाबा मैंने इतने सेंटर खोले हैं, मैंने इतनी कॉन्फ्रेंस की हैं, मैंने लाखों को संदेश दिया है, मैंने इतनों का धन सफल कराया है, मैंने ये बड़े बड़े कार्य किए हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और दृष्टि देकर बड़े प्यार से धीमे से बोल देते हैं, बच्चे ये सब तो मैं कर रहा था। ये सत्य है कि संगम युग ये कार्य आत्माओं के द्वारा नहीं, स्वयं भगवान के द्वारा संपन्न हो रहा है। इसलिए हम कहीं भी स्वयं को उलझाए नहीं, ये सेवाओं के बंधन हमें उस महान स्थिति से रोकते रहेंगे, जो हमारा असली लक्ष्य है। इंचार्ज बन जाना, धनवान बन जाना, अधिकार प्राप्त कर लेना, ये महान आत्माओं का कोई चिन्ह नहीं है। इनकी इच्छाओं से परे होकर हम महान स्थिति को प्राप्त करें, तो आज सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं ब्राह्मण, सुफरिश्ता, सुदेवता, तीन स्वरूप अपने देखें, ट्रायंगल बना लें। इधर मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं आत्मा निकल कर फरिश्ते की देह में प्रवेश कर लिया, मैं हो गई फरिश्ता।
का अनुभव करें। फिर वहां से निकलकर मैं अपनी देवताई ड्रेस पहन ली और मैं बन गया संपूर्ण देवता। उस स्वरूप को देखें, एंजॉय करें। फिर वहां से निकलकर मैं ब्राह्मण देह में आ गई, फिर पुनः परमात्म छत्र छाया में। ओम शांति।